वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए पढ़ते हैं। माय एल्डर ब्रदर इज 6 feet हाई। क्या क्वेश्चन कह रहा है, मेरा बड़ा भाई इज 6 feet हाई, 6 feet ऊंचा है। तो आप बताइए प्लीज इसमें कहां पर एरर है हमारी, देखिए कमेंट करिए। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे बोलते हैं कि मेरा भाई ऊंचा है या मेरा भाई लंबा है। लंबा बोलते हैं ना हाइट के लिए, हाइट के लिए ऊंचा थोड़ी बोलेंगे। तो यहां पर हाई नहीं आएगा ना, यहां पर क्या आएगा, टॉल। तो माय एल्डर ब्रदर इज 6 feet टॉल, नॉट हाई, टॉल लंबा है। मेरा बड़ा भाई 6 feet लंबा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी में हमारी एरर है, हाई की जगह पर टॉल आएगा। तो चलिए सेकंड देखते हैं। वी मेट यस्टरडे हैवंट वी। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये चीज जो हमारी है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन टैग को कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन क्वेश्चन टैग्स। तो चलिए देखिए इसमें क्या लगेगा। यहां पर हमारा सेंटेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट में, वी मेट यस्टरडे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी लग गई है, हैव लग गई है। तो क्योंकि पास्ट में हैज हैव थोड़ी लगता है, ये तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं। तो यहां पर कौन सी लगेगी इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी लगती है, इसमें बताइए ऑप्शंस में हमारी कौन सी लगेगी। डिडंट वी, प्रोनाउन तो सही है हमारा वी डिड। तो यहां हैव की जगह पे क्या होगा, डिडंट वी, क्योंकि इंडेफिनिट में हमारी डिड होती है हेल्पिंग वर्ब, तो इस पास्ट इंडेफिनिट में डिड होती है, इसलिए यहां पर करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी डिडंट वी। ये क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ होमोफोन्स देखते हैं। ये दो होमोफोन्स मैंने लिखे हैं। होमोफोन्स मीन्स क्या होता है, जिनका प्रोनंसिएशन जिन वर्ड्स का सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों चेंज होते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग चेंज है और हमारा मीनिंग भी चेंज है। एक एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं स्वीकार करना, ठीक है। और सेकंड वाले का क्या मतलब होता है कि एक्सेप्ट दिस बोलते नहीं हम लोग, एक्सेप्शन है ये, इसके अलावा सब पर इसका लागू होगा, ये रूल कोई होता है तो हम लोग बोलते हैं इसमें एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्ट मतलब इसके अतिरिक्त ये बाकी सब पर लागू होगा। तो एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, के सिवा या अतिरिक्त, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट हो गया, एक एक्सेप्ट में स्वीकार करना और इसका मतलब होता है के सिवा या इसके अतिरिक्त एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारे होमोफोन, ये बहुत ज्यादा होमोफोन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो चलिए सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, क्या है हमारा ब्राइडल। एक ये ब्राइडल है, एक ये ब्राइडल है, दोनों में से बताइए क्या मीनिंग होता है फर्स्ट वाले ब्राइडल का और सेकंड वाले ब्राइडल का, कमेंट करिए क्या मीनिंग होगा इसका। फर्स्ट वाले ब्राइडल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो ब्राइड होती है दुल्हन से संबंधित, दुल्हन से संबंधित जो ब्राइड होती है, जैसे हम लोग बोलते नहीं है ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल गाउन, ब्राइडल लहंगा, तो वो ब्राइड से रिलेटेड जो भी चीजें होती है दुल्हन से संबंधित वो ब्राइडल होता है। और ये BRIDLE ब्राइडल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है लगाम, जो घोड़े की लगाम होती है ना उसको ब्राइडल, BRIDLE ब्राइडल मीन्स लगाम और BRIDAL ब्राइडल मीन्स दुल्हन से संबंधित। ये दो हमारे होमोफोन्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एन इंक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, ऐसी जगह इंक्लूजर मीन्स क्या होता है, जैसे बाड़ा
जहां पर चारों तरफ घेरा बंदी हो, तो जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, एन इंक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवियरी, एवियरी, जहां पर हम लोग बर्ड्स को रखते हैं, चिड़ियाखाना वो बोला जाता है। सेकंड हमारा क्या है, एन इंक्लोजर टू कीप द बीज इन, जहां पर बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपियरी। ऐसे ही जहां पर हॉर्सेस घोड़ों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। स्टेबल से हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं ना अस्तबल, वो इसका इंग्लिश में आपको ऐसे वहां से हिंट मिल जाएगी, स्टेबल अस्तबल दोनों सेम सेम है ना, तो हॉर्सेस से आपको पता लग जाएगा स्टेबल। तो और ये फोर्थ वाला हमारा क्या है, एनिमल्स, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, विभिन्न प्रकार के जानवर आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं ना उसको, तो अभयारण्य को क्या बोलते हैं, सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी। तो ये सेम से हमारे फोर्थ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसलिए मैंने एक साथ सबको ले लिया, तो आप प्लीज इन्हें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।